मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संगठन जमीयतुल उलमाए हिंद का महाराष्ट्र कार्यालय इमामबाड़ा मुंबई पर है। कई करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। इसी संबंध में भिवंडी प्रांत कार्यालय में आज एक पत्र सबमिट किया गया है गृह मंत्रालय के लिए, ताकि इस मामले की पूरी जांच की जा सके। जमीयतुल उलमाए हिंद को जो लोग चंदा देते हैं, ये अच्छी बात है, किसी संगठन को चलाने के लिए चंदा देना चाहिए, मगर अब मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर आप मुंबई से हैं, भिवंडी से हैं, या ये वीडियो जहाँ देखी जा रही है उनसे भी, कि कम से कम इस तरह के लोगों से पूछें कि जो हमारा चंदा है उसमें जो घोटाला हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बहुत जरूरी है। आदाब। भिवंडी शहर और भिवंडी शहर से लगकर मुंबई, जमीयतुल उलमाए हिंद का मुंबई कार्यालय, वहाँ से करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है, करोड़ों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दो करोड़ का नहीं है, ये अगर सब टोटल मारेंगे तो तकरीबन 4 करोड़ से जायद का ये मामला है। और ये पैसा इस देश के मुसलमानों का है, ख़ासकर महाराष्ट्र में ये घोटाला हुआ है तो महाराष्ट्र के मुसलमानों का है। मुसलमानों का कैसे है, रमज़ान महीना या इस तरह के टाइम पर जमीयतुल उलमा हिंद के नाम पर फंड दिया जाता है ताकि गरीबों की मदद की जा सके, एजुकेशनल जो फंड होता है उसमें भी मदद की जा सके। मगर आज ये भिवंडी शहर का प्रांत कार्यालय है और ये 3 पेज का एक पत्र यहाँ दिया गया है जो प्रांत ऑफिस के माध्यम से जिला अधिकारी तक जाएगा और वहाँ से गृह मंत्रालय जाएगा कि ये करोड़ों का जो मैटर है, भिवंडी के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें इनका नाम है। नाम मतलब मौलाना हलीमुल्ला का इसमें नाम है व इतर, क्योंकि इनके साथ पूरी एक टीम है ऐसा बताया जाता है। और पूरे प्रूफ मुफ्ती इस्माइल मालेगांव के आमदार हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया वो अखबारों में जो कटिंग आई है वो सब मिलाकर आज यहाँ पेन ड्राइव में सबमिट किया गया है। और थोड़ी देर में एक आदमी यहाँ से गृह मंत्रालय के लिए जाएगा ताकि इस मामले की कायदे से जांच हो सके। मुस्लिम समाज में मुफ्ती मौलाना हाफिज कारी, इन लोगों का बड़ा अदब एहतराम से नाम लिया जाता है, मगर हालत ये हो गई है इस मुल्क में कुछ लोगों की कि बड़े बड़े घोटाले ये लोग दाढ़ी टोपी की आड़ में करते हैं। बहरहाल इस मुल्क की आज़ादी में भी आलिम दीन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, मगर जैसे जैसे दौर बदला है, युग बदला है, लोग भी बदलते रहे हैं और पैसों चक्कर में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं समझ के बाहर है। बहरहाल